हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम 3.1 डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आपने देखा कि आपकी हर क्वेश्चन में 0x0 फॉर्म बन रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे 3.2, जिसमें हमारी मेनली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। हो सकता है दूसरी भी हो, बट मोस्टली क्वेश्चंस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगी। सो आई होप आप सभी ने 3.1 की वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी होगी तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख लेना। सो स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम इसमें इस वीडियो में एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। ओके, आपके पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ e की x माइनस e की। जब आप यहाँ पे x को क्या पुट करोगे? a पुट करोगे, तो log a माइनस a क्या हो जाएगा? log a माइनस a log 0 विच इज इन्फिनिटी। यहाँ पे भी नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आपकी क्या फॉर्म बन जाएगी? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। उसके बाद हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। तो हमने वही किया, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए का 1/x-a, और इसका लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए का 1/e-x-e, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, देन देखो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 1/x-a था ना, ये इसको मैं इसके साथ लिख सकती हूँ, x माइनस ए और ए की पावर x, और ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी। अब आप क्या करोगे, फिर से x को क्या पुट करोगे? 0, तो a माइनस ए 0, फिर से आपकी क्या फॉर्म बन जाएगी? 0x0 की फॉर्म बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, e की पावर x का e की पावर x। नीचे देखो, e की पावर x प्लस एक्स माइनस ए यू इंटू बी वाले मेथड से करोगे आप इसको, तब का क्या बचेगा? x को आप क्या पुट करोगे? a क्या पुट करोगे? ए, तो ई की ए बाई ई की कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1। अब देखो, आप एक बात सोच रही होंगी कि यहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ है, तो देखो आप इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, एक्स को ए प्लस एच पुट करो। देखो, करके दिखाते हो, जस्ट अ मिनट। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक्स, अगर मैं यहाँ पे एक्स को क्या पुट करूँ? ए प्लस एच पुट करूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं, बहुत सब क्वेश्चन में आपको अगर प्लस माइनस दिया हुआ, अगर हम एक्स को ए प्लस एच पुट करते हैं, तो हम उसके बाद क्या करते हैं? पुट एच इज इक्वल टू 0 तो करते हैं, तो मेरा क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू ए, तो मुझे एंड में एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? ए पुट करना पड़ेगा। और यहाँ से भी तुम ये चीज़ तो कर रहे हैं, एक्स को ए तो पुट कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि एक्स को ए प्लस एच पुट करके, या फिर जितने भी अगर आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें प्लस एच करके, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। दोनों मेथड ही आपके सही हैं, दोनों में से किसी से भी आपका गलत नहीं होगा। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसका क्या ये आपको बस इवेल्युएट करना है। आपको लिमिट दी हुई है आपके पास इन्फिनिटी, और एक्स की पावर 3 माइनस 8x2 प्लस, जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें आप एक्स को क्या पुट कर लेते हो? 1/y। अब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को x की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? तब जब y क्या होगा? 0। तो आपका y क्या होगा? 0। तो आपने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया? 1/y। क्या पुट कर दिया? 1/y पुट कर दिया। 1/y³ माइनस 8 × 1/y² प्लस 2 × 1/y प्लस 1, और अपॉन में 1/y⁴ माइनस 1/y² प्लस 2 × 1/y माइनस 3। आपने क्या करना है, उसके बाद जो भी टर्म कट हो दिया तो कट कर दो, या फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो। आपने इसका y³ एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बचा y माइनस 8y² प्लस 2y³ प्लस y⁴ अपॉन में, आपने यहाँ पे भी एलसीएम लिया y⁴ को, तो 1 माइनस y² प्लस 2y³ माइनस 3y⁴ इज इक्वल्स टू 0.1। यहाँ पे आपके पास y³ और y⁴ बचेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आप y³ और y⁴ आपस में कट हो जाएंगे। अब देखो, अब आपको क्या पुट करना है, y को 0 पुट करना है, 0 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि y 0 है तो सबके साथ y है, तो 0 0 0 बनेंगे। और नीचे देखो, ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1, तो क्या आएगा? 0.1, 0/0। तो योर आंसर इज़ 0। ठीक है, अब क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। आपके पास कौन सी फॉर्म का एग्जांपल्स है? 0 × ∞ के, उसमें भी आपके पास सेम चीज़ अप्लाई होती है, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई होगा सारी चीज़ें। देखो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, x इंटू टेंजेंट ऑफ 1/x
एक्स को इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी टेंजेंट 1/∞ क्या बनेगा आपके पास, ये तो क्या बन जाएगा 0 × ∞ की फॉर्म बन जाएगी आपके पास। उसके बाद देखो आपने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करा आपने, आप इस एक्स को नीचे ले आए, आप इस एक्स को, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव तो जब होता है ना, जब एक टर्म ऊपर और एक टर्म नीचे हो, तो आप इसको नीचे ले आए, ठीक है, नीचे ले आए आप इसको। अब देखो आपने यहाँ से क्या किया, एक्स को इन्फिनिटी पुट करा, ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही थी ना, अब आपने इसको ऐसे करा तो आपके पास इन्फिनिटी पुट करा तो टेंजेंट 1/∞ और 1/∞ जीरो, टेंजेंट 1/∞ जीरो, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। अब आपने एल ऑपरेटर रूल अप्लाई किया, टेंजेंट एक्स क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1/x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 1/x², और इसका भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/x², तो माइनस के 1/x² से माइनस के 1/x² को हम कट कर सकते हैं, क्या बचा सीकेंट स्क्वायर 1/x, एक्स को इन्फिनिटी पुट करो 1/sec² 1/ क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा आपका, और ये सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपके पास इम्पोर्टेंट है, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स की पावर m log x की पावर n, आपके पास ये चीज़ गिवन है। ये देखो क्या किया आपने, x की पावर m log n ऐसे था, तो आप इसको नीचे ले आए, x की पावर m नीचे की क्या बन गई x की पावर माइनस m, लिमिट आपने पुट करी 0, तो आपके पास क्या बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आपने क्या किया डेरिवेटिव किया, ऊपर का डेरिवेटिव किया एक पावर आ गई, एक पावर कम 9 n आ गया जाएगा, लॉग की पावर, लॉग एक्स की पावर क्या बन जाएगी n माइनस 1, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और इसका करोगे तो माइनस m आ गई, माइनस m x माइनस m माइनस 1 करोगे, माइनस m बाय n को माइनस n बाय m को आपने बाहर ले लिया, जो कि दोनों कॉन्स्टेंट है ना, एन और एम का आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 log x की पावर n माइनस m अपॉन में, नीचे क्या बचेगा आपके पास x की पावर, ये 1/x से नीचे की भी 1 बन जाएगी, तो माइनस m माइनस 1 प्लस 1 करके क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया 0 पुट करके देखा इसको, तो फिर से क्या बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ओके। अब आपने फिर से डिफ्रेंशिएशन किया इसका, तो n माइनस 1 आगे आ जाएगी, log x इनमें से 1 माइनस होगा तो क्या बनेगी log x की पावर n माइनस 2 बनेगी, फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x, ओके। आपने क्या किया फिर, क्या चीज़ बाहर आ रही थी, कुछ बाहर आ रहा है यहाँ पे, आपने इसको फर्दर देखो सॉल्व किया हुआ है, n तो था ही, n माइनस 1 भी आ गया, 2m हो गए, m का स्क्वायर बन गया, लिमिट ये देखो माइनस, ये माइनस माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, n n माइनस 1 अपॉन m m स्क्वायर, लिमिट लिमिट पर क्या बचा log x की पावर n माइनस 2, और नीचे क्या बचा ये फिर से नीचे आ जाएगा, तो माइनस m माइनस 1 प्लस 1 क्या बचेगा कट के x की पावर माइनस m, तो फिर आपने इसको जीरो पुट किया तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। आप फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर n माइनस 2 आगे आ जाएगा, फिर n माइनस 3 बनेगा, फिर नीचे ऐसे बन जाएगा, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी हमारे, क्योंकि नीचे से हमारा x खत्म नहीं हो रहा, आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती रहेगी। तो देखो ये अब सोन कहाँ तक बनेगी, हम n तक लेके चलते हैं ना कि हमारे टर्म्स n तक चलेंगे। देखो क्या होएगा, जब हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पावर 2 आ रही है, तो हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी माइनस 1 की पावर n आएगी, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, अपॉन में m की पावर 2 बार डेरिवेटिव किया था 2 थी, तो n बार डेरिवेटिव करेंगे तो n, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x की पावर n, यहाँ पे क्या आएगी n माइनस 2 है, n माइनस 2 है, और 2 की जगह हमारा क्या है n माइनस n है, तो n माइनस n बन जाएगा, और x की पावर माइनस m, तो n माइनस n तो क्या बन गया 0 बन गया, तो हमारे पास क्या बचा देखो माइनस 1 n फैक्टोरियल अपॉन m की पावर n, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और x की पावर m, तो आपके पास 0 ये तो ख़त्म होगी, log x की पावर क्या बन गई, log x था ना ये, उसकी पावर क्या बन गई 0 मतलब कि 1, और x की पावर माइनस 1 माइनस m ऊपर जाके क्या बन जाएगी प्लस की x की पावर m बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, x को 0 पुट करना है, x को 0 लेके चल रहे हैं तो 0 पुट कर देंगे, तो ये सारा 0 से मल्टीप्लाई की क्या बन जाएगा 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना दोबारा से, ओके। उसके बाद देखो क्या क्या हुआ है,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपने क्या किया कोसिकेंट एक्स को क्या लिख लिया वन अपॉन साइन एक्स लिख लिया, जब आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन साइन जीरो जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या बन जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, आपने क्या किया एक्स साइन एक्स एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचा साइन एक्स माइनस एक्स, ये बचा, इसको भूल जाओ कि कुछ किया हुआ है, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स बचा, जब एक्स को जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो फिर जीरो ऊपर साइन जीरो जीरो, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो कि एक्स से मल्टीप्लाई करो और एक्स से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर जीरो पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा, फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, एलोपिटल्स रूल अप्लाई करोगे, एलोपिटल्स रूल अप्लाई करने के बाद साइन एक्स का क्या बन जाएगा कोस एक्स, एक्स का क्या बन जाएगा वन, और एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा टू एक्स, फिर जीरो पुट करोगे आप तो नीचे जीरो अभी तो ख़त्म नहीं होगा तो फिर जीरो बन जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और ये जीरो बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा टू, अब एक्स को जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो 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 बाई टू इज जीरो, आंसर इज योर जीरो। और आप इनके तरीके से भी कर सकते हो, इन्होंने ये वाला मेथड फॉलो नहीं किया हुआ, नीचे साइन एक्स लिया हुआ है, एक्स इंटू साइन एक्स लिया हुआ है, फिर उसका डेरिवेटिव किया हुआ है यू इंटू वी से, और फिर दोबारा से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव किया हुआ है, ठीक है, आपकी मर्जी है, ये मेथड फॉलो करना ये मेथड फॉलो करो, ये मेथड फॉलो करना ये मेथड फॉलो करो, जो भी मेथड फॉलो करो वो करना सही से है, ठीक है, ये नहीं कि दोनों को मिक्स कर दो। अब देखो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस कॉट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स, आपने क्या किया कॉट को कोस ऑफ साइन में चेंज कर लिया, कोस एक्स अपॉन एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, ये एक्स था ना इसलिए आपने एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से लेके ये एक्स स्क्वायर बन गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे साइन एक्स के साथ आ गया, ये एक्स को जीरो पुट करो तो साइन जीरो 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 क्या बन जाएगी आपके पास वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। देन आपने क्या किया, आपने क्या किया एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स को एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये करा, अब आपकी मर्जी है, इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स से डिवाइड किया हुआ तो क्या बन गया एक्स क्यूब बन गया, ये चीज़ वन बन गई, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो थ्री एक्स इसका क्या देखो डेरिवेटिव किया हुआ पर लिखा नहीं हुआ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, आपको ये चीज़ देखनी है ध्यान से, देखो ये इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जब जीरो पुट करोगे तो जीरो बन रहा है ना, नीचे जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ये बचा आपके पास, आप फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे फिर जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाएगी, फिर इसका डेरिवेटिव करो तो एक्स का तो वन बन जाएगा, माइनस का क्या बनेगा, देखो क्या किया हुआ है इस एक्स से इसको कट किया हुआ है, माइनस का साइन एक्स अपॉन थ्री एक्स बचा, अब इसका डेरिवेटिव करो माइनस का कोस एक्स अपॉन थ्री, अब एक्स को जीरो पुट करो तो कॉस जीरो वन, तो आंसर आ गया आपका माइनस का वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब ये भी सेम ऐसे ही है, एलसीएम ले लेना पहले, फिर एक्स की पावर फोर बना लेना इसको, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम ऐसे है, वो कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना आपने, ठीक है। ये वाला भी देखो, कोट को कोस और साइन में चेंज कर लोगे, एलसीएम लोगे, फिर इसको साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, एक्स की पावर फोर बन जाएगी, ये वन बन जाएगी, ये वन बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन को यूज़ किया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स की एक्सपेंशन रख दी माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज कोस एक्स की एक्सपेंशन रख दी, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो सॉल्व कर दिया अपने एक्सपेंशन को लेकर, ठीक है, आपके पास लास्ट में आंसर आ गया टू अपॉन थ्री। अब हम देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन, इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट ही कवर कर पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वरना। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, लोग एक्स अपॉन एक्स, एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे लोग एक्स का वन अपॉन एक्स और एक्स का वन, तो क्या आ गया वन अपॉन एक्स, एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो। सेकेंड देखो एक्स को क्या पुट करना है पाई बाई टू, पाई बाई टू पुट करोगे आप तो क्या बन जाएगा लॉग जीरो अपॉन नीचे क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, लॉग जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे लॉग इसका क्या बन जाएगा वन अपॉन दिस और एक्स का वन, तो वन ही रहेगा टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर क्या करोगे वन अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये
एक्स को ये पुट कर दोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, फिर दोबारा से स्क्वायर करोगे डेरिवेटिव कर दोगे -2 sin x cos x। ठीक है, अब देखो लास्ट पे आपकी मर्जी है कि x को π/2 + h पुट करो, फिर h को 0 पुट करोगे तो बात तो एक ही है कि x π/2 ही आएगा, और जब हम सीधा पुट करेंगे तो भी π/2 आएगा क्योंकि हमने h को तो 0 ही पुट करना होता है। तो आपकी मर्जी है ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, लास्ट में पुट करना है पुट करो, नहीं करना मत करो। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, log ऑफ साइन x अपॉन कॉट x इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin x और साइन x का cos x, तो cos x अपॉन साइन x और कॉट x का माइनस का cosecant square x। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, cos x अपॉन साइन x साइन स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस का साइन x और cos x पर x को 0 पुट करा, आंसर आ गया 0। फिर देखो x को 0 पुट करना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x लॉन्ग x का 1/x। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, माइनस x को ऊपर ले गए आप, कोसिकेंट x को 1/sin x ले दिया, तो माइनस का x अपॉन साइन x और कोट x को एज इट इज रखा, फिर x को आपने क्या किया 0 पुट किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, कुछ बताने का भी नहीं है, सेम प्रोसेस सबने फॉलो कर रहा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लेना क्वेश्चंस को। x को इन्फिनिटी पुट करना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो n, x की पावर n माइनस 1 और e की पावर x, फिर x को इन्फिनिटी पुट करोगे फिर इन्फिनिटी बनेगा, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो n माइनस 1 आगे आ जाएगी, फिर x की पावर n माइनस 2 बन जाएगी, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। अभी हमने एग्जाम्पल किया था ना, ये सेम उसी की तरह है, तो ऐसे चलता रहेगा, तो n n-1 फिर n-2 अपसॉन ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो हमने वही करा है। यहाँ पे x की पावर n-2 थी, फिर n-1 n-2 n-3, लास्ट में क्या आ जाएगी n-n, तो विच इज़ 0, तो x की पावर 0 और पॉइंट में क्या चल रहा है e की पावर x। लास्ट में क्या करेंगे, x को इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो n फैक्टोरियल इंटू 1/∞ 1/∞ 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। उस क्वेश्चन में भी आपके पास आंसर 0 ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको क्या पुट करना है, 0, देन लोग x का डेरिवेटिव और लोग x log 0 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, लोग x का 1/x कोट x का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर है, तो ऊपर जाके माइनस का ये बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, आंसर इज 0। कुछ बताने का भी नहीं है इन क्वेश्चन में। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/x² का 2x, कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, एक्स स्क्वायर का 2x, कोसिकेंट ऊपर जाके साइन बन जाएगा अपॉन में x², फिर क्या करा आपने, साइन x² अपॉन x² लिख लिया इसको, और साइन x² ऐसे लिख लिया। ठीक है, x को 0 पुट किया आपने, देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना, तो उसको दो में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, तो साइन 0/0 × 0, तो विच इज़ योर 0। अब देखो नेक्स्ट, टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट 3x है, x को क्या पुट करना है, π/2, तो टेंजेंट π/2 अपॉन टेंजेंट 3π/2 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। डेरिवेटिव करोगे टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट 3x का क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर 3x और 3x का 3। फिर देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या किया आपने, सीकेंट स्क्वायर एक्स था और नीचे क्या था, 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स और 3x, यही था ना। 1/sec² क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, ये तो ऊपर आके कॉस स्क्वायर 3x बन गया और ये नीचे आके क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो ना। देखो 1/sec² 3x है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 3x बन जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos² x, तो मैंने वही लिखा, 3 यहीं पे ही है। अब x को मैंने π/2 पुट कर दिया, फिर 0/0 फॉर्म बन गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, 2 cos इसका क्या बनेगा, 2 cos 3x और cos का माइनस का साइन 3x और 3x का 3, और इसका करेंगे तो 3 दोबारा ही cos स्क्वायर x का 2 cos x और cos x का माइनस का साइन x, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 2 6। आपके पास क्या क्या हुआ है, देखो 2 sin θ cos θ बन जाएगा ना, फिर ये 6 cos 3 6 sin 3 6 क्या बन जाएगा, sin 6 6, और ऐसे ही आपके पास नीचे बन जाएगा, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 3 से 3 आपका कट हो जाएगा,
माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 sin 3 थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 6 6, क्योंकि आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है ना, डबल होता है ना थीटा का, तो यहाँ पे 3 है तो क्या बन जाएगा, 3 2 6, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब x को पाई बाई 2 पट करा हमने तो फिर 0/0 फॉर्म बन गई। फिर से डेरिवेटिव करोगे तो sin 6x का cos 6x, 6x का 6, sin 2x का cos 2x, और 2x का 2। फिर x को पाई बाई 2 पुट कर दोगे, फिर आपके पास कट के आपके पास 3y बन जाएगा, यहाँ पे पाई बन जाएगा, आपके पास 180 के तौर पर -1, तो -6/2 विच इज़ 3, आपका के पास आंसर क्या आ गया, 3, दोनों माइनस आपस से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, log x sin x है, log m इंटू n है, मैं इसको लिख सकती हूँ log sin x अपॉन log x लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, मैंने इसको log sin x अपॉन log x लिख लिया है इसे। उसके बाद देखो x को जब हम 0 पुट करेंगे, देखो जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का कोस एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक्स, कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या बन जाएगा, कोट एक्स, कोट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan x, तो आप जब इसको 0 पुट करोगे एक्स बाई tan x क्या बन जाता है आपके पास 1, ठीक है। सिंपली सेम ऐसे इसमें करना आपने, tan 2x upon tan x लिख दिया आपने इसको 0/, जब आप इसको 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगी, log tan 2x का डेरिवेटिव 1/tan 2x बनेगा, और tan 2x का sec²2x बनेगा, 2x का 2 बनेगा, और log tan x का 1/tan x, और tan x का sec²x। अब देखो ये वाला स्टेप नहीं है, उसके बाद देखो आपने क्या किया, आप इसको ऊपर लेके जाओगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो tan x upon क्या बनेगा, sec²x बनेगा, तो इसके साथ मैं क्या लिखूँगी, tan x लिखूँगी ना, वही लिखा हुआ है मैंने इसके साथ tan x, और इस वाले टर्म के साथ क्या लिखूँगी, sec²x, तो मैंने वही लिखा हुआ है। फिर tan x को मैंने क्या पुट किया हुआ है, sin x upon cos x, और sec²2x को मैंने लिखा हुआ है 1/cos²2x, अपॉन में sin 2x upon cos 2x मैंने इसको लिखा हुआ है, और sec²x को 1/cos²x, ठीक है। अब देखो 2 sin x अपॉन में cos x cos²2x, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएंगी, तो ऊपर क्या आएगा, cos 2x, ऊपर क्या आएगा, cos²x, नीचे क्या क्या आएगा, sin 2x, लिख दिया। अब देखो cos x और cos²x कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक cos x बचेगा, cos 2x और cos²2x कट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, cos 2x, ऊपर से ये ख़त्म हो जाएगा और नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 sin x cos x, और नीचे क्या बचेगा, cos 2x sin 2x, है ना, तो ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने इसको, लिख दिया। अब देखो 2 sin theta cos theta sin 2 theta, लिख दिया मैंने ऊपर वाले टर्म को, और नीचे भी यही थी तो कट कर दी, तो क्या बचा, 1/cos 2x, एक्स को क्या पुट करूँगी, 0, तो 1/0 1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/1 1 बचे से और आंसर। अब देखो इसमें फिर से हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, लॉग का डेरिवेटिव इसका 1/1 - x, माइनस x का कोफिशिएंट -1 है तो -1, अपॉन कोट x का -cosec²x, पाई x का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये ऊपर जाके साइन बन जाएगा, और ये पाई तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, 1 - x इसके साथ ऐसे है, जब आप x को 1 पुट करोगे 1 - 1, 0 0/0 बन जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव करो 2 sin x cos x, यानी कि 2 sin πx cos πx, और πx का पाई, और इसी तो ख़त्म हो जाएगा, और ये तो ख़त्म हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या बचेगा, -1, तो πx - 1 - π, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस ऊपर आगे आ गया, 2 sin x cos x क्या होता है, लिख भी लो या ना लिखो, साइन 2πx हो जाएगा, x को 1 पुट करोगे तो 2 sin 180 आपके पास -1 होता है, और यहाँ पे cos 180 आपके पास -1 होता है, ये 0 होता है, तो क्या बन जाएगा, 0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 2x की पावर 4
अपॉन प्लस 3x² - 100 अपॉन दिस। देखो x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। डेरिवेटिव कर दो इसका, 4 2 8, 3 3 9, 4 4 16, x² का 2x + 2। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगेन, दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, 2 कॉमन ले लो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर दोबारा डेरिवेटिव जब करोगे इसका तो क्या बचेगा, 24/48, उसको कट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे, और फर्स्ट पार्ट के हमने 12 क्वेश्चन करे हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।